नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए राज्य सरकार बना रही है योजना। बिहार के नए डीजीपी बने आईपीएस आलोक राज। विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का बिहार में होगा आयोजन। बिहार के 45,000 से भी अधिक डॉक्टरों को एनएमआर में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कृषि यंत्रों की खरीद पर बिहार सरकार किसानों को दे रही है छूट। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का बयान, दोनों खिलाड़ियों को दलीप ट्रॉफी खेलना चाहिए था। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 पदों पर निकली भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 500 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार के नए डीजीपी बने आईपीएस आलोक राज। बिहार के नए डीजीपी का प्रभार 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज को सौंपा गया है। फिलहाल ये विजिलेंस ब्यूरो बिहार के डीजी हैं और अब अगले आदेश तक डीजीपी के प्रभार पर बने रहेंगे। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं, जिसके बाद आलोक राज को डीजीपी का प्रभार सौंपने का फैसला लिया गया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे सिवहर के बारे में। ये बिहार में तिरहुत प्रमंडल का सबसे छोटा जिला है, जो कभी सीतामढ़ी का अनुमंडल हुआ करता था। आगे चलकर इसे सीतामढ़ी से अलग कर दिया गया। इस जिले में कई धार्मिक पर्यटन स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सबसे प्रसिद्ध देवकुली शिव मंदिर है। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण द्वापर काल में किया गया था। मंदिर को एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया था। यदि आप कभी सिवहर जाते हैं तो उस मंदिर के भ्रमण के लिए जा सकते हैं। बिहार को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए राज्य सरकार बना रही है योजना। बिहार को बाढ़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी के तहत प्रदेश के कई बड़ी नदियों जैसे गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदियों पर बैराज बनाने की बात सामने आई है। ये बैराज पूर्वी चंपारण के अरेराज में गंडक नदी, सुपौल के डगमारा में कोसी नदी, सीतामढ़ी के ढेंग में बागमती नदी और महानंदा पर बनेगा। इसकी जानकारी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। इसके लिए केंद्र सरकार को बिहार सरकार की तरफ से विस्तृत प्रस्ताव भी भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि हमने जिन भी नदियों की चर्चा की है वहाँ पहले से भी बैराज बने हुए हैं, लेकिन मानसून के दौरान तेज बहाव के साथ हजारों क्यूसेक पानी हर साल बहकर चले जाते हैं और नेपाल से आने वाले पानी के साथ उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की तबाही मचा दी है। नए बैराज के निर्माण से न केवल पानी पर नियंत्रण हो सकेगा बल्कि संचित पानी का इस्तेमाल सिंचाई और पेयजल में भी किया जा सकेगा। विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का बिहार में होगा आयोजन। बिहार में खेल दिवस के अवसर पर राजगीर खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया था। अब खबर आई है कि 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर के राज्य खेल एकेडमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसका आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार की तरफ से होने वाला है, जहां डिफेंडिंग चैंपियन भारत के साथ ही ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीम भाग लेगी। इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं 8वें महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए बिहार सरकार का समर्थन देकर बहुत खुश हूं। आपको बता दें कि इतने बड़े स्तर पर खेल का आयोजन बिहार में होना ये प्रदेश के लिए काफी गौरवशाली पल होने वाला है। इस दिन से शुरू हो रहा पितृपक्ष मेला, तीर्थयात्रियों के लिए हो रही खास व्यवस्था। 17 सितंबर से गया का पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पितृपक्ष मेला से जुड़ी तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा
की है। मेले को लेकर अधिकारियों की तरफ से खास इंतजाम किया जा रहा है। नदियों में पानी का स्तर अधिक है, इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने नदी किनारे अनुश्रवण की समुचित व्यवस्था रखने की बात कही है। साथ ही इस दौरान NDRF और SDRF की टीम को भी तैनात करने की बात कही है। टूटी हुई सड़कों के मरम्मत की बात सामने आई है। इसके अलावा सभी निःशुल्क आवासन स्थलों पर सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई है। बिहार के 45,000 से अधिक डॉक्टरों को NMR में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब बिहार के सभी डॉक्टरों को नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी NMR में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि बिहार के तकरीबन 45,000 डॉक्टरों को मेडिकल डिग्री, कार्य अनुभव समेत अन्य सभी जानकारियां दर्ज NMR में दर्ज करनी होगी। इसके अलावा उनका वर्तमान पता, आधार, पंजीयन भी इस रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ये सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डॉक्टरों को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा। बता दें कि डॉक्टरों का ब्यौरा NMR में इसलिए दर्ज किया जा रहा है क्योंकि इससे सरकार को जानना बेहद आसान हो जाएगा कि प्रदेश में या देश में डॉक्टरों की कितनी संख्या है। DGP RS भट्टी ने बिहार पुलिस की जमकर की तारीफ। बीते दिन अपनी विदाई समारोह में बिहार के DGP RS भट्टी ने बिहार पुलिस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के पुलिस में कोई कमी नहीं है, अगर प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग होती रहेगी तो बिहार पुलिस देश में हर मामले में बेहतर होगी। बिहार में काम करने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल नहीं टूटना चाहिए और ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भेदभाव होनी चाहिए। बता दें कि बिहार के DGP RS केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वो CISF के DG बनाए जाने वाले हैं, जिसको लेकर बीते दिन पटना के मिथिलेश स्टेडियम में उनकी विदाई की गई। 443 कनीय अभियंताओं के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से बहाली निकाली गई है। इस बहाली के लिए उम्मीदवार 14 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 19 नवंबर को इस आवेदन के लिए के तहत इंटरव्यू लिए जाएंगे। इस बहाली के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त अभियंता आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु हो जाती है तो उसके नाबालिग आश्रित को कैसे अनुकंपा के आधार पर नियोजन होगा, इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। जिसके तहत कहा गया है कि सरकारी कर्मी का आश्रित यदि नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर ही अनुकंपा के लिए अपना दावा पेश कर सकता है। अब 9वीं-10वीं के बच्चों के लिए भी शुरू हो सकती है मिड डे मील की सुविधा। बिहार में अब मिड डे मील की व्यवस्था 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी शुरू होने वाली है। अभी हाल में ही बिहार से शिक्षा विभाग की 8 सदस्यीय टीम तमिलनाडु के शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने गई थी, जिसके बाद खबर सामने आई है कि इससे संबंधित रिपोर्ट जल्द ही टीम द्वारा पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई है। तमिलनाडु में टीम ने यह भी देखा है कि वहां जिले के DEO और BO स्कूल के 75% प्रिंसिपल ही बनते हैं। साथ ही तमिलनाडु में शिक्षा से लेकर संविदा और कुक तक की नौकरी स्थायी है। ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकारी स्कूलों में संविदा व्यवस्था हटाकर अस्थायी व्यवस्था को लागू किया जाए। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को हुआ प्रमोशन। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य और सैनिक सेवा में प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार संवर्ग में 2024 में नियुक्त पदाधिकारी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 बैच में आवंटित किया गया था, उन्हें शामिल किया गया है। जाने ट्रेन छूटने के बाद क्या TTE किसी दूसरे को दे सकते हैं आपकी सीट। भारत में हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ही अपना सफर करते हैं। ट्रेन यात्रा एक लोकप्रिय विकल्प है। ट्रेन के सफर में किराया कम होता है और यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों को देखने का भी मौका मिलता है। अगर आप ट्रेन छूटने के बाद अपनी सीट खो देते हैं तो भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार TTE आपकी सीट को अलग 2 स्टेशनों तक किसी और को नहीं दे सकता है। TTE को कम से कम 1 घंटे तक इंतजार करना होता है, लेकिन इसके बाद अगर आपकी सीट खाली रहती है तो किसी दूसरे यात्रियों को दी जा सकती है। अगर आप ट्रेन मिस कर देते हैं तो आप अगले स्टेशन पर अपनी सीट को क्लेम कर सकते हैं और रिफंड के लिए 3 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करके TDR फाइल कर सकते हैं, जिसमें आधा टिकट प्राइस रिफंड के रूप में मिलता है।
कृषि यंत्रों की खरीद पर बिहार सरकार किसानों को दे रही है छूट। खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों की खरीद के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन यंत्रों की खरीद पर किसानों को बिहार सरकार की तरफ से छूट दिए जा रहे हैं। किसानों के आवेदन के बाद कृषि विभाग की तरफ से इसके लिए स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। अभी तक के लिए करीब 2500 किसान आवेदन कर चुके हैं। हालांकि केवल इसका लाभ 439 लोग ही ले पाए हैं। कृषकों के बीच इसका प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सके। जमीन सर्वे में रैयतों की सुस्ती देखकर हैरान हुआ विभाग। प्रदेश में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में रैयतों की काफी सुस्ती देखने को मिल रही है, जिस वजह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी हैरान है। सर्वेक्षण के लिए रैयतों को स्वघोषणा दाखिल करने की बात सामने आई है, जिसमें प्रपत्र 2 में अपने स्वामित्व के जमीन का ब्यौरा इन्हें देना होगा। इस कार्य के लिए रैयतों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड की सुविधा दी गई है। ऑफलाइन के लिए रैयतों को शिविरों में जाना होगा, वहीं ऑनलाइन माध्यम के लिए सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करना होगा। लेकिन रैयतों की सुस्ती को देखते हुए विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा है कि रैयतों की यह सुविधा सीमित अवधि के लिए दी गई है, इसलिए उन्हें ये काम प्राथमिकता के आधार पर कर ही लेने चाहिए। 1 से 8वीं कक्षा की परीक्षा में हर प्रश्न का रहेगा कोड। SCERT की ओर से छात्रों की प्रतिभा और अध्यापकों के शिक्षण गुणवत्ता के लिए एक विशेष पहल की गई है। बता दें कि 8वीं तक की परीक्षा में अब हर प्रश्न के साथ लर्निंग आउटकम कोड होगा। इसमें परीक्षा के बाद मूल्यांकन के दौरान SCERT छात्रों की प्रतिभा का आकलन किया जाएगा। इसके जरिए कक्षा की पढ़ाई में लर्निंग आउटकम को फायदा हुआ है या नहीं, छात्रों को कौन सा चैप्टर समझ में आया और कौन सा नहीं, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। कोड के माध्यम से उन शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा जो कक्षा में लर्निंग आउटकम की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं। भागलपुर में भी बढ़ेगा लीची का उत्पादन। भागलपुर में भी लीची के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए लीची बाग प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण नवगछिया अनुमंडल के कई प्रखंडों में 50 लीची उत्पादक किसानों को दिया गया है। इस प्रशिक्षण के लिए किसानों को राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर भेजा गया था। इस दौरान बताया गया कि कैसे पुराने बागों का जीर्णोद्धार करके नए बागों की तरह फसल का उत्पादन किया जा सकता है। निजी स्कूलों के लिए जारी हुई जरूरी सूचना। बिहार सरकार की तरफ से निजी स्कूलों को लेकर जरूरी सूचना जारी की गई है। इसकी जानकारी IPRD बिहार की तरफ से मिली है, जहां बताया गया है कि प्रदेश में राज्य के बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 18 में ये प्रावधान है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल निर्धारित मानक है तो सक्षम प्राधिकार से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र किए बिना संचालित नहीं किया जा सकेगा। इस अधिनियम का यदि कोई उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति या संस्था पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह निर्धारित तिथि के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन के विद्यालय संचालित करता है तो हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए जारी की राशि। अब दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को पहले से दुरुस्त और आधुनिक व्यवस्था मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने 918 करोड़ रुपए दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए जारी किए हैं। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल दरभंगा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक के बाद दरभंगा सांसद ने कहा है कि हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम से किया जाए। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फ्लाइट का किराया पारदर्शिता के साथ ली जाए, साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों को जरूरी सुविधाओं को बहाल किया जाए। मॉनसून का प्रभाव कम होने से अब प्रदेश में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक चुका है और छिटपुट वर्षा होती दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी की तरफ मॉनसून ट्रफ बढ़ने की बात कही है, जिस वजह से अच्छी वर्षा हो सकती है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। हालांकि मौसम को लेकर विभाग की तरफ से किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। इन ट्रिक्स को अपनाकर बढ़ाएं अपने मोबाइल इंटरनेट की स्पीड। क्या आपका मोबाइल का इंटरनेट बिल्कुल स्लो चल रहा है? तो इन ट्रिक्स को अपनाकर अपने मोबाइल के इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं।
सबसे पहले तो फोन को रीस्टार्ट करें, बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करें। गूगल प्ले स्टोर पर आपको कई तरह के एड ब्लॉकर ऐप्स मिल जाएंगे जिसके इस्तेमाल से मोबाइल इंटरनेट तेजी से काम करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना, किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, कैशे और कुकीज क्लियर करते रहें, VPN का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एंड्रॉयड फोन में वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग्स के तहत GPRS टू डेटा प्रीफर नामक एक फीचर दिया जाता है जिसके उपयोग करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। अब बिना जहाज उड़ाए विद्यार्थी ले सकेंगे पायलट बनने का प्रशिक्षण। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिना जहाज उड़ाए ही विद्यार्थी पायलट बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार प्रशिक्षुओं के लिए 3 सिमुलेटर खरीदेगी। इन सिमुलेटर के जरिए नए विद्यार्थियों को जहाज के कॉकपीट जैसा माहौल देकर जहाज उड़ाना सिखाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही उन्हें राज्य उड्डयन संस्थान उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक जो फ्लाइट सिमुलेटर खरीदने का निर्णय लिया है वे सेना 17R, सेना NXI और सेना S किंग एयर C90 मॉडल के होंगे। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का बयान, दोनों खिलाड़ियों को दलीप ट्रॉफी खेलना चाहिए था। रोहित शर्मा और विराट कोहली को के दलीप ट्रॉफी से बाहर होने पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का बयान सामने आया है। सुरेश रैना का कहना है कि इन दोनों दिग्गजों को दलीप ट्रॉफी खेलना चाहिए था। रैना के मुताबिक भारतीय टीम ने काफी समय से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है, ऐसे में खिलाड़ियों को रेड बॉल से प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। भारत को आगामी दिनों में बांग्लादेश के अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट मैच खेलने हैं। हालांकि रैना ने ये जरूर कहा है कि परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। बता दें कि भारतीय टीम को अब 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इससे पहले 5 सितंबर से घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी भी होनी है, जिससे कोहली, रोहित, जसप्रीत बुमराह को छोड़कर ज्यादातर सीनियर प्लेयर खेलते नजर आएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 1968 में भारत में 2 स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। आज के दिन वर्ष 1983 में भारत के उपग्रह INSAT-1B को अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2006 में भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित एशिया की 6 हस्तियों को वर्ष 2009 के रेमन मैगसेस पुरस्कार से 31 अगस्त को मनीला में सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की वायरल हो रही है खबर। ENT नाम के एक यूट्यूब चैनल के वीडियो थंबनेल में ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक खबर पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। साथ ही खबर को आगे शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लें। निफ्टी इंडेक्स ने 12 दिन चढ़कर बंद होने का बनाया रिकॉर्ड। निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 12 दिन चढ़कर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यही रिकॉर्ड 2007 में देखने को मिली थी, जिसमें निफ्टी में लगातार 11 दिन की तेजी देखी गई थी। उसके बाद जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन की तेजी आई थी। निफ्टी द्वारा बीते दिन के कारोबार में 25,268 का रिकॉर्ड स्तर छुआ गया। उसके बाद 83 अंक की देरी के साथ निफ्टी 25,235 के स्तर पर बंद हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उस जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया कि हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है राकेश कुमार, ऑप्शन बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी एस पद्मनाभन, ऑप्शन डी है मनोज मित्तल। इसका सही उत्तर है एस पद्मनाभन। हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है हैदराबाद एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है बेंगलोर एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन है राजीव दीक्षित, ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ, ऑप्शन सी है अशोक कुमार, ऑप्शन डी अरविंद कुमार। इसका सही उत्तर है अशोक कुमार। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए रोहतासगढ़, ऑप्शन बी है सुपौल, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है रोहतासगढ़। किसने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रखा है? ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी।
इसका सही उत्तर है सिरसा सूरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सुमेर कुमार, अशोक कुमार, रिंकी कुमारी, अब्दुल मनन, पुरुषोत्तम कुमार, नौशाद रजा, विजेंद्र कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अशोक, जीतू कुमार, रोशन कुमार, विनय कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।